किनकी करनी है, ये बात भी डॉक्टर मलिक साहब ने इस पैटर्न में समझाया। परीक्षा को करते हुए किस बात की सावधानी रखनी है, इस बात को भी समझाया। ठीक है, याद रहेगा आपको तीनों बातें, सावधानी क्या रखनी है। आंटी जी, सावधानी क्या रखनी है? प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी है। सावधानी क्या रखनी है? सब बोलो भाई, क्या रखनी है सावधानी? प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी है। अब प्रश्न है, प्रमाद किसको कहना? हाँ, पक्ष छोड़कर। हमारे चित्त में किसी का भी पक्ष पड़ा हुआ है तो आप सही परीक्षा नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन तो यह क्या है कि प्रमाद छोड़कर किसकी परीक्षा करनी? तो लिखा है कि जहां परस्पर विरोध लगने वाले जो कथन है, क्या जैसा अन्य ग्रंथ में आगम में आपको ऐसा लगता है कि ये परस्पर विरोध वाले कथन है, उन कथनों की परीक्षा करनी। अल्लाह, क्यों परीक्षा करनी? कि सच्चाई पता चले कि कौन से वचन आपके हैं। तो साहब, इसका पता करके क्या कर लोगे? कि आपके सच्चे वचन का ही हमको अनुसरण करना है। आई बात सब? क्या आज्ञा अनुसारी, जो आज्ञा समय तुम्हारा क्या करता है बाबू जी? परीक्षा करके पहले तो ये नक्की करता है कि ये आपके वचन है, और फिर उनकी आज्ञा के आधार से सत्य सिद्धान करता है, इसलिए वो आज्ञा समय। ये बात यहां पर डॉक्टर मलिक साहब ने बात कही। ठीक है, और यदि आपको याद न रहे तो आपको इतनी बात याद रखनी, प्रयोजन भूत तत्व का हमको परीक्षा करके निर्णय करना है। देव, शास्त्र, गुरु, जीवादि सात तत्व किन भाव से बंध होता है और किन भाव से मोक्ष होता है, इतनी बातों की तो हमको परीक्षा करके निर्णय लेना है। और इन बातों का आप भले ही अभी अल्पज्ञ है तो भी परीक्षा कर सकते। आई बात सब? क्या कोई ये नहीं समझे बाबू जी कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं देव की परीक्षा कैसे करूं, मैं गुरु की परीक्षा कैसे करूं, मैं शास्त्र की परीक्षा कैसे करूं, मैं जीवादि सात तत्वों का क्या कथन है आचार्य भगवंतों ने कहा? नहीं, तू भले अल्पज्ञ है लेकिन तू इसकी परीक्षा कर सकता। क्या कहरा सर, बात पकड़ना है यार? कैसे करेंगे परीक्षा भाई? कैसे करेंगे देव की परीक्षा? कि आगम में जो देव का स्वरूप का है, बाहर में यदि वो मिलता है तो सच्चे, नहीं मिलता है झूठे, इतना तो सरल काम। क्या जैसा गुरु की परीक्षा कैसे करनी? आगम में जो गुरु के लक्षण बताए हैं, यदि वो मिलते हैं तो सच्चे, नहीं मिलते हैं झूठे। शास्त्र की परीक्षा कैसे करनी? आगम में जो शास्त्र के संबंध में, धर्म के संबंध में कहा है, क्या कहा है? अपना जो जैन धर्म अहिंसामय धर्म है, जहां हिंसा और विषय कषाय पुष्ट होते हैं वो धर्म नहीं है। इतनी तो सावधानी रख सकते हैं अपन अपनी बुद्धि से। सात तत्वों के संबंध में तो अपन यथार्थ विचार कर सकते हैं बाबू जी, आगम के आधार से। जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रम क्या है, संवर क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इसके संबंध में तो अपन यथार्थ अपनी वर्तमान क्षयोक्ष ज्ञान में निर्णय तो कर सकते हैं। क्या कहता सर, किन भावों से बंध होगा और किस भाव से बंध से छूटेंगे, बोलो भाई। जैसा किन भावों से बंध होगा? शुभ भाव से भी बंद होगा और अशुभ भाव से भी बंद होगा, ये बंद के भाव है। क्या बाबू जी, कौन से बंद के भाव है? शुभ भाव भी बंद का है और अशुभ भाव का भी बंद का है, दोनों बंद के भाव है, दोनों छूटने के भाव नहीं है। पुण्य पाप दोनों शिवमग रोकनहार, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दोनों भाव रुकावट है।
गजाव साहब को एक पंक्ति याद है, कौन सी अपने 16 कारण पुण्य पाप सब नाश कर, पुण्य को भी नाश करना है और पाप को भी नाश करना है। क्यों नाश करना है कि ये दोनों भाव आश्रव है, दोनों हेय है, दोनों दोनों छोड़ने योग्य है। ये लिखा हुआ टोटल मेरे सामने, बंध के भाव भी आपको पता होना चाहिए और मोक्ष का भाव भी पता होना चाहिए। तो मोक्ष का भाव क्या है यहां से, बंध का भाव तो शुभ और अशुभ है, तो मोक्ष का भाव क्या है, निर्विराग भाव, वो मोक्ष का भाव है। आई बात है क्या, पकड़ में आ रही बात है? कहीं बंध के भाव को मोक्ष का भाव मत मान लेना। कितनी बड़ी बीमारी है बाबू जी, जिस चीज से आपको कुपथ है उसको औषधि मत मान लेना। अनादि से जैन साहब हमारी यही गड़बड़ी रही, क्या गड़बड़ी रही कि जो बीमारी थी उसको मैंने औषधि मान ली है। और फिर भगवान के सामने भी खड़े खड़े बोलते हो ना कि बार बार पुण्य भाव से बार बार में स्वर्गाधिक पा जाता है, उसमें क्या कम है बाबू जी, कहते हो ना भगवान के साक्षी में क्या, एक भी बार कहा पुण्य भाव से मैं मोक्ष को पा जाता हूं, स्वर्ग पाता हूं ना, और स्वर्ग कहां है, संसार में, संसार है तो मुझे छोड़ दे। तो बंध की बात और मोक्ष की बात बराबर, किन भावों से बंध होगा, किस भाव से मोक्ष होगा, बराबर आपको इन बातों का पता करना। बाकी आप परीक्षा कर सको नहीं कर सको उसकी बात डॉक्टर मजे साहब ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट किए। देखो निकाले पेज नंबर 229, ग्रंथ बराबर आप अपने पास रखना, सभी ग्रंथ रखोगे ना तो आपको बहुत, एक तो ये मानना है बात टोटल मंजी साहब कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हाँ, और टोटल मंजी साहब को आपने आचार्य कल्प की उपाधि दी है। आई बात साहब ने क्या, समाज में वो भले बाहर में आचार्य नहीं थे लेकिन बुद्धि में, चरोत्सव ज्ञान में और तत्व की समझ में वो आचार्य से कम नहीं है। आई बात साहब ठीक है, इसलिए इसको तो आचार्य कल्प की उपाधि दी, कल्प है ना। देखो अब क्या कहते हैं पैराग्राफ जो अपन ने कल छोड़ा था, यदि ऐसा न माने, कैसा नहीं माने जैसा, कैसे यदि ऐसा न माने, शब्द लिखान कैसा नहीं माने कि आप ऐसा मानो कि आप बिना परीक्षाएं जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा पालने से आज्ञा सम्यक हो जाता है, और आज्ञा का विचार करने से, बिना परीक्षा की आज्ञा का विचार करने से आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो जाता है, ऐसा आप मान रहे हो है ना, और परीक्षा नहीं करे ऐसा मान रहे हो, तो यहाँ टोटल मेरे साथ कह रहे यदि ऐसा न माने, कैसा नहीं माने कि परीक्षा रही, परीक्षा करके जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा माननी चाहिए, यदि ऐसा न माने क्या, ये शब्द का अर्थ क्या है जनाब साहब, यदि ऐसा न माने कैसा, ये परीक्षा करके जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा माननी, यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त हो जाता है, बिना परीक्षा किए आज्ञा मानने से आज्ञा विजय धर्म ध्यान हो जाता है, तो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए और आज्ञा के अनुसार वो बाही में साधन करते हैं, उसका फल को विवेक मिलता है, उसके बाद भी उनके मिथ्यापना रहता है, तो फिर आपकी बात कहां सही है। बात पकड़ रहे क्या, बात पकड़ में आ गया आपको, टोटल मुझे साहब ने उदाहरण कहां का लिया है बाबू जी, कहां से उदाहरण लिया है, द्रव्यलिंगी मुनि रहा जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, धर्म बुद्धि है, आत्म कल्याण की भावना है, जैसा बाहर में उन्होंने महाव्रतों को अंगीकार किया है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़कर जंगल में है, चतुर्विधि संघ के साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके मिथ्यापना है, तो इस प्रकरण में टोटल मजे साहब ने कहा क्या चूक रही कि उन्होंने परीक्षा करके आज्ञा नहीं मानी।
ये बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकरण में ये बात पकड़ में आ गई ना आपको? ये कह रहे हैं, ठीक है, पढ़ लू मैं तेजी से एक बार फिर तीनों लाइन है ताकि आपको भाव पकड़ में आए। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त्व व धर्म ज्ञान हो जाए तो जो द्रविलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए और आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रेडेड पर्यंत जाते हैं उनके मिथ्या दृष्टि बना कैसे रहा। अब वो सामने प्रश्न खड़ा कर रहा है टोटल मजी साहब ने। यदि आप कहते हो कि बिना परीक्षा आज्ञा मान लेने और काम हो जाए तो टोटल मजी साहब ने द्रविलिंगी मुनिराज का उदाहरण रख दिया। अब बताओ इन्होंने आज्ञा मानी कि नहीं मानी? मानी। और इन्होंने आज्ञा मानकर ही बाद में सब तरह का उनका क्या बोलते हैं साधन हुआ कि नहीं हुआ? तेजाब साहब हुआ, ठीक है। और पापों से छूटे कि नहीं छूटे? छूटे, सब हुआ। लेकिन उनकी परिणति में धर्म क्यों प्रकट नहीं हुआ ये बताओ आप? है बाबू जी, सब परिग्रह छोड़ा, सभी प्रकार की हिंसा छोड़ी है, बाहर में किसी का कोई सेवन नहीं, बाहर में ब्रह्मचर्य का धारण करा है, सब कुछ हुआ और फिर क्या नहीं हुआ? धर्म नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये बताओ आप? तो इस प्रकरण में क्या है टोटल मजी साहब ने कि परीक्षा करके उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। ये कहकर आपको समझा रहे हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं। किनकी? कोई द्रविलिंग की निंदा नहीं हो रही, ये आपको समझा रहे हैं कि आपके जीवन में ये कभी न रह जाए कि आप सिर्फ आज्ञा का अनुसरण करें, परीक्षा करो आप, ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? कोई गलत अर्थ नहीं ले लेना, नहीं तो किसी का क्या दिमाग उधर ही चलता है। हाँ हाँ हाँ, विरोध की मैंने बोला ना, पद्धति बुद्धि छोड़ती नहीं है, एक इधर का विरोध करेगा एक उधर का, अपने आत्म कल्याण की भावना तो है नहीं। किसको समझा रहे हैं जिनका? अपने को समझा रहे हैं टोटल मजी साहब। उदाहरण देखे कि भैया आपके जीवन में ये कमी न रह जाए कि जिन चीजों की परीक्षा करनी है आप परीक्षा बिना किए ही आज्ञा अनुसार मानने लग जाओ, इसका यहां आपको स्पष्टीकरण मिले। आई बात सर, तो क्या करना? तो हमको क्या करना? देखो दो पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है। इसीलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। बहुत जी कितनी सुंदर बात है। क्या होता है आप सम्यक दर्शन? कुछ परीक्षा करके और कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर आज्ञा विजय धर्म ध्यान होता है। अब प्रश्न है ये कुछ का चक्कर क्यों डाला आपने? सभी डाल देते, सबकी परीक्षा करो है और या कहो कि कुछ मत करो, ये कुछ का क्या चक्कर है? बोलो। हाँ देखो सब जोड़ी डाले उन्होंने यहाँ पर कि सबकी परीक्षा करो। एक देखो पहली समस्या क्या है जैसा आगम में जितनी भी बात आई है ना सबकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। कारण क्या है कि आपके पास बुद्धि कैसी है? क्या है? थोड़ी थोड़ी है ना। अपने पास छह उपसर्ग ज्ञान है। यदि आप सुमेरु पर्वत मापने जाओगे 1,00,000 योजन तो मनुष्य बहुत तो चला जाएगा और सुमेरु पर्वत है। अब अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप देखना है तो आप बाहर कहां जाओ? आप तो 2.5 दिन से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करना पड़ेगा बाबू जी है? अब आपको नंदीश्वर द्वीप में ये है कि नहीं है 52 चेत्यालय है और इतनी इतनी बड़ी प्रतिमा है कि नहीं है? जैसा कैसे कैसे चेक करोगे आप? बोलो है क्या कहते हैं आपसे, कैसे चेक करो? अरे ये तो जाने दो, आलू के अंदर इतने जीव बताए है या पानी में इतने जीव बताए, तो आप कौन सा माइक्रोस्कोप लोगे और आप देखोगे कि कितने त्रस्त जीव है कितने है? क्या करोगे बोला है? बात पकड़ोगे आने वाले है? तो इसीलिए अभी सबकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। पहली बात क्या, सबकी आप परीक्षा नहीं कर सकते और दूसरी बात सबकी परीक्षा का कोई आपका प्रयोजन भी उससे नहीं हट सकता। ठीक है क्या?
तो फिर क्या करें, कोई भी परीक्षा ले करे नहीं, नहीं बिना परीक्षा ले जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो विद्या दृष्टि का भेद है। व्यवहारवादी विद्या दृष्टि का ये परीक्षा रही तो परीक्षा तो करनी है और सबकी नहीं करनी है, मनुष्य पर्याय आपकी थोड़ी है, ठीक है। तो भाव जी क्या करनी है, एक तो आपके पास बुद्धि कितनी है और किसकी परीक्षा करनी है ये आपको बराबर नक्की करना है। क्या क्या इसलिए यह शब्द लिखा है, कुछ कुछ मतलब सबकी नहीं, तो किसकी करनी है, तुम भाभी जी किसकी करनी है, देव गुरु और धर्म सात तत्व बंद और मोक्ष के भाव जो प्रयोजन सही है तत्व उनकी परीक्षा करनी, इनकी बिना परीक्षा किए यदि आप मानते हो तो आप मिथ्या दृष्टि हो, ये बात है। आई बात धागा हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, हम तो महाभाग्य से है, हाँ तुम्हारा भाग्य तो महाभाग्य है, लेकिन तूने देव की परीक्षा नहीं की ना, और तू भले ही सच्चे देव के पास आ रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि है। बात बोल रहे हर साहब, अभी हम परीक्षा करने लग जाएंगे गुरु की तो कोई भी सच्चे नहीं दिखेंगे, अब तू जा, ये तेरी समस्या है। यहां तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ये गुरु के लक्षण है, अगर जिनमें ये लक्षण मिले वो गुरु, नहीं मिले तो गुरु नहीं। अब तू मान नहीं मान, ये अगर तू गलत के है ना, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानता है तो वो उपल नाव है, ऐसा था पत्थर की नाव है, वो तो डूबेगा और तू भी डूबेगा, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अनाथ से तू मान ही नहीं रहा है, अपनी मत मान, और चक्कर काट, मानना तो पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा बाबू जी, सच्चे देव सात गुरु का देखो परीक्षा करके निर्णय करना, ये बात समझ में आई। परीक्षा करने से क्यों घबरा रहे बाबू जी, है एक चावल खरीदना है एक साल के लिए तो आप क्या करते हो, दुकानदार कैसा कहता है ले आते हो, वो अपने भाई के लड़के की दुकान है, उसने कहा कि बाबू जी ये चावल क्या कहता जी ये चावल अच्छे हैं ले आते हो, क्यों, अरे बोलो क्यों नहीं लाते, क्या एक साल का सवाल है, है? कल मान लो गीचे बन गए तो है? कल ये खुले नहीं तो स्वाद कैसा आया, तो क्या करते हो साहब, जितने चावल सबको बनाते हो, फिर क्या करते हैं उसमें जैसा साहब, उसमें से कोई थोड़े से चावल लेके आते हैं, ठीक है, उनको उनके आधार से, किनके आधार से, जो थोड़े से चावल लाए उनके आधार से आप पूरे कट्टे का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो, बोलो किसका निर्णय करते हो, और जब आपने चावल खाए और आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है तो आपके कॉन्फिडेंस का स्तर कितना है, पूरे चावल पका रहे उसमें से दो को दबा के देखते हो कि पके कि नहीं पके, सबको थोड़ी दबाता है ना, लेकिन उन दो के आधार से निर्णय किसका करते हैं कि अंदर सब चावल सीख गए पक गए, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु सात तत्व और बंद के भाव और मोक्ष के भाव इनका आपको परीक्षा करके निर्णय करना 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 ही है, और यदि इनकी परीक्षा नहीं करें और सिर्फ आज्ञा के अनुसार माने तो भी आप मिथ्या दृष्टि हो, और न तो आपको सम्यक है और न ही आपको आज्ञा विजय धर्म ज्ञान, ये बात है, बात पकड़ में आ गई उस पैराग्राफ के विषय, इसीलिए क्या लिखा, इसीलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ज्ञान होता है, लोक में भी किस प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं, जगत में भी ऐसा ही है, किसी भी व्यक्ति की पहचान क्या कुछ परीक्षा करके कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब तीसरी बात आ गई, तीन बातें उठाई थी टोटल मिली साहब ने, कौन कौन सी बातें उठाई थी,
एक आज्ञा सम्यक, एक आज्ञा विजय धर्म ध्यान और एक क्या सम्यक दर्शन का अंग निसंकित अंग, जिन वचन में शंका न कर है ना, तो उसका यहाँ स्पष्टीकरण। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक के शंका नामक दोष होता है। क्या कहा कि हम परीक्षा करेंगे, इसका मतलब है हमको शंका है, और हमको शंका है तो फिर तो हमारा सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन का एक अंग है कि जिन वचन में जो शंका करे वो सम्यक दर्शन नहीं है। ये उनने प्रश्न किया, सो न जाने यह किस प्रकार है। क्या बाबूजी आगम में पढ़ लिया इसने, जिन वचन में शंका न धार, तो ये सोच रहा है तो मैं कोई गलत है या सही है कुछ भी विचार करूंगा तो मेरे जिन वचन में शंका हो जाएगी, और शंका हो जाएगी तो मेरे सम्यक दर्शन चला जाएगा। क्या अब वो वचन भले जिनेन्द्र ने कहे हैं या नहीं कहे आई बात समझ, उसकी भी परीक्षा नहीं करूं, क्योंकि परीक्षा करूंगा तो जिन वचन में शंका हो जाएगी। मुद्दा तो ये है, अरे भाई जिन वचन में क्या शंका हो जाएगी, वो तो पापियों ने मिला है, वो वचन है जिनेन्द्र भगवान की, वचन कौन से वचन जिनेन्द्र भगवान के ये तो पहले नक्की कर। किसकी हाँ किसकी परीक्षा की, हाँ तो मैंने आपको बोला था ना आप खोज करके लाना कि उसको जिनेन्द्र भगवान पर विश्वास था कि सेठ पर विश्वास था, और किस सेठ पर विश्वास था, जिस सेठ को उस मंत्र पर विश्वास नहीं था उस पर उसको विश्वास था। अरे वो आपको बात छोड़ो, मैंने आपसे क्या पूछा कि उसने सेठ जी पर विश्वास था ना, वो क्या बोलता था सेठ वचन प्रमाणम, अब कौन सा सेठ, वो कौन सा सेठ जिसको जिनेन्द्र भगवान के वचन पर शंका है प्रमाण नहीं है, उसका उसको प्रमाण है ठीक है, और जैसे सही गलत बोला और काम हो गया, मतलब आपके हिसाब से तो है, अब उसकी गहराई से आप विचार करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम हुआ। मैंने जो प्रश्न आपको दो दिन पहले खड़ा किया था उसका तो उत्तर ढूंढा। ये सब जिस सेठ को खुद मंत्र पे विश्वास नहीं है, वो चढ़ रहा उतर रहा ठीक है, और अंजन चोर को सेठ पे विश्वास है। बाबूजी बात पकड़ में आ गया, अरे प्रतिमादेव की कथन पद्धति अभी समझाऊंगा मैं आठवें अधिकार में, टेंशन जी बाबूजी बहुत चक्कर है प्रतिमादेवों में, आप अगर सीधा सीधा आठ पकड़ लोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अभी आठवां अधिकार में पहुंचने तो दो मेरे को, कैसे प्रतिमादेवों को पढ़ना, कैसे चरणानियों को पढ़ना, कैसे द्रव्यानियों को पढ़ना, ट्रिक बताइए थोड़ी मजे से, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी इधर की उधर इधर की, वो जो प्रतिमादेवों के कथन को आप सिद्धांत में मत घुसे लो। क्या अभी क्या चल रही बात, क्या कि निसंकित अंग कि मैं जिनेन्द्र भगवान के वचन में शंका करूंगा तो मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा, इसलिए जो भी कहा ग्रंथ में वो मानो, अब वो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है नहीं कहा है, पापियों ने मिलाया है, अपन अगर परीक्षा करेंगे तो अभी डाउट होगा, शंका हो जाएगी तो सम्यक दर्शन मेरा चला जाएगा। खूब लोग तो ऐसा भी मानते हैं बाबू जी कि हम दिगंबर जैनपुर में हुए तो सम्यक दर्शन तो हमारे पास नहीं है, अब क्या करना है, अब सिर्फ चारित्र को अंगीकार करो और मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई ग्रंथों में कहा है पूर्व भाव में तेने बहुत बार मुनि व्रत को धारण किया है और तेरे मोक्ष नहीं हुआ है, तो तू कुछ तो मिलान कर आगम में है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने मुनि व्रत धारण अंत बात, किसने कहा ये बात, दोनों राज्य ने किसके आधार से कही, उन्हें तो आपको सरल भाषा में लिख के दिए, मूलभूत आचार्य के ग्रंथ में उनका आधार बना ली गई, वो आपको याद है ना भाई बस, हाँ पढ़ना इसमें बहुत उल्लास है, हाँ 900,000 वर्ष पहले लिखा हुआ है आचार्य का ये ग्रंथ, बहुत इसमें बहुत माल है। तो क्या कहा यहां पर, ऐसा मानकर निर्णय न करें, अब मैं जिनेन्द्र
सच्चे देव की और झूठे देव की परीक्षा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के तो तू ऐसा मानकर सोचे ही नहीं, फिर कहीं भी धोखे दे। वितरागी सर्वज्ञ है कि नहीं ऐसा विचार करेंगे तो डाउन हो जाएगा, तो अपन सोचे ही नहीं, अपने तो बस मानो। ऐसा ऐसा एक मत में डलता है, नाम नहीं बोलता मैं, बोले कि खुदा ने क्या करते हैं उनके बारे में आपको नहीं सोचना। क्या क्या वो क्या करते हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, आप तो बस फॉलो करो। ऐसा है क्या बोला सर? जैन धर्म ऐसा नहीं है क्या? बस आप तो जिनेंद्र भगवान ने, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मेरे नक्की करो कहा है कि नहीं कहा है। ऐसा मानकर निर्णय न करे वहां संघ का नाम दोष होता है, तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक में दोष लगता है तो अष्ट शास्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा। यह चोड़ामल्ली साहब है ना, नेताजी बाबू जी जानते थे जगत की रीत, लोग बोलेंगे साहब ऐसा है ऐसा है, तो उन्होंने अपनी बात नहीं आचार्य का उदाहरण दिया है क्या? अष्ट शास्त्री में आचार्य देव ने कहा है कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी उत्तम है। क्या कहा जनाब साहब? अब किसने कहा? आप तो दौलत राम जी भी नहीं है, टोड़ामल्ली साहब भी नहीं है, अब ये किसने कहा? अष्ट शास्त्री किसने लिखा है आगे जी? विद्यानंदी आचार्य, हाँ अब उनने लिखा है। अब क्या लिखा उन्होंने? अभी जाके आप ढूंढना अष्टशास्त्र में कहा लिखा हुआ है, ताकि आपको विश्वास होगा कि ये आचार्य ने लिखी बात। किसने लिखी है? अरे वो सब आप पढ़ोगे तब खोज होगी, सब अभी आप जिम्मे से दूर रखे अभी नहीं जाना, आप ग्रंथ उठाना फिर उनका जीवन परिचय पढ़ना, किस समय में हुए उनके गुरु सब बताएंगे, फिर उस ग्रंथ में कहा लिखा हुआ ढूंढना। हलवा नहीं है कि आपको कोई मुंह में लाके डाल दे और डालेगा और फिर आपको वो डाला हुआ खुद बना, भाव जी ने खुद खाना बनाते हैं ना, तो खाने का टेस्ट अलग आता कि नहीं आता ये बता, ईमानदार की बता। क्या एमएल जी ऐसा खुद बना लो खाने का टेस्ट अलग नहीं आता? अरे आप, अरे आप आए कुछ तो बोलो, ऐसा हमने बनाया नहीं, एक बार बना के देखो आप, आनंद आता है कि नहीं आता? तो आप खूब खूब खोज करो, फिर आप मिलान करो, तब आपके सब धूल झटकी जाएगी यहां से। अष्ट शास्त्री में क्या कहा आचार्य देव ने? क्या कहा कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी उत्तम है। अगर ये बात आचार्य ने कही है, इसका मतलब है कि परीक्षा करके मानना, आप बिना परीक्षा परीक्षा के डर से कि नहीं मेरा सम्यक तंग भंग हो जाएगा, उस चक्कर में नहीं रहना, इसलिए यहां उन्होंने आचार्य टोटोमी साहब ने प्रमाण दिया है इसका। क्या बहुत लोग क्या करते हैं, एक बात पकड़ ली अब आगे पीछे तो मिलान करेंगे, जिन वचन में शंका न रखना तो बस जो है सत्य गलत हम तो यही मानेंगे। क्यों? अगर अपन ने अभी शंका रख दी है सही है गलत है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी अन्य मत में चलता, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मतलब ये भगवान इनका तो काम कर रहा है और इनका काम नहीं कर रहा है, वो क्या भगवान को कर्ता मान के और बोले आप तो भक्ति भाव से जाओ काम हो जाए। अब बाबू जी सो देने गए और काम तो एक का हुआ, ठीक है किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया या जैसा कि उसका तो कर दिया और मेरा क्यों नहीं करा, और जबकि मेरा बाहर का जीवन तो उससे भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के बारे में सुनो क्या बाबू क्या करें, तू तो बस भक्ति कर, तो उसको क्या करना कि उसको सोचने का काम ही बंद करा दिया, फिर आप लगे रहो वहां पर। ऐसे ऐसे मूड रहकर काम नहीं चलता, आपको अच्छे से खोज करनी है कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, जिनेंद्र भगवान का सच्चा मार्ग क्या है,
लोक में देखा देखी, किसी के घरे परिवार के पास है, समाज के पास कुछ नहीं, सच्चा मार्ग होगा उसी के आराधना की आपकी श्रद्धा होगी तो ही समय कतल होगा, तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये बात पक्के से रहती है। पत्नी अगर कोई दूसरा मानती है तो मान ले दो, आई बात सर, बच्चा कोई दूसरा मानता है तो मान ले दो, काका जाए, बाबा जाए, दादा जाए, नाना जाए, जीव नाना, कर्म नाना, उदय नाना, विधि कहो भाई सर, अगर तेरे को अगर अब सुलझेगा कौन, खुद सुलझेगा, तुम खुद विचार करके सही निर्णय करेगा तो सही दिशा में चलेगा, देखा देखी जाएगा तो भेड़ जैसा चलेगा। जगत में भी तो कहते हैं भेड़ जान क्या चलते हैं, है? क्या कहा यहां पर, अस्त्र शास्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा, और सुनना देखो क्या कहा, प्रचना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे, स्वाध्याय के पांच अंग है, पहला अंग क्या है कजाब साहब, वाचना, वाचना के बाद प्रचना, प्रचना के बाद है अनुप्रेक्षा, आमना है अनुप्रेक्षा, और क्या बोलते हैं उपदेश, धर्मोपदेश, क्या फिर से क्रम से बोला, वाचना, प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ठीक है क्रम। अब ये क्रम बहुत बराबर ध्यान रखना, सबसे पहले काम किया करना है बाबूजी आपको वाचना, बिना वाचे प्रश्न नहीं खड़ा करना, क्या बिना बाचे प्रश्न खड़ा नहीं करना, ये तो आपका स्वाध्याय है ही, खूब लोग ऐसे ही है, अभी जिनवाणी अभी यहां देखो आधार किया है, अब आपको सही बात खोजनी है तो वहां जाओ आप, है? है? क्या कह रहे हो, क्या आगे क्या है पहले, हाँ वाचना, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप मध्यस्थ भाव से आचार्य देव ने क्या कहा है उसको आप पढ़ो, फिर आप अपने स्तर पर मिलान करो, मिलान करने के पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दो अलग अलग अपेक्षा, देखो यहां अपेक्षा लिखी है ना, निसंगी रंग में जीन वचन के में शंका नहीं करना, और दूसरी जगह आचार्य ने कहा है आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी उत्तम है, अब दोनों आपको परस्पर विरोध लगते हैं तो अब आप सोचो, अब सोचो और नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, है फिर पूछना है, अब ये तो मैटर है ही नहीं, यहां तो पद्धति बुद्धि जो माथे घड़ा रखा हुआ है, बस हम जो मानते हैं जो सही है बस, है मेरे पिताजी भी ये करते थे, मेरे दादाजी भी ये करते थे, इतने लोग सब पागल है क्या, हाँ सर ठीक है, तब आप अपना जो विचार करने की ताकत है समाप्त कर देंगे, आज के काल में तो ऐसा ही होगा, अब क्या करें, अच्छा ये नहीं रहे तो ऐसे नहीं होगा, श्रावक भी ऐसे हैं तो वो भी ऐसे हैं, ये सब मन घड़ंग डप्पे, एक रंग में लिखी हुई बात है क्या है, और बिना वजह से प्रश्न खड़े करते हैं, साहब मेरे को बाबूजी कम से कम हजार लोगों ने पूछा कि श्रावक ऐसे नहीं है तो क्या करे, तो ऐसे मैंने कहा तू कहां से पढ़ गया है बेटा, साहब ये तो पता नहीं, मैं मेरे हिसाब से पूछ रहा हूं, मेरा तेरा हिसाब नहीं चल रहा है, तेरे हिसाब से मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा, अपना हिसाब हर व्यक्ति बोलता मेरे हिसाब से, तेरा हिसाब क्या है तो बता, मैं तो आचार्य ने मैं अभी आजकल तो मैंने ऐसा फार्मूला बना लिया है, बात करने के पहले आचार्य की बात सामने रख, उसके पहले बात नहीं करनी, कोई गर्व नहीं करनी, भाई तू किस ग्रंथ से लाया है बात ही बता, अपनी मर्जी की बात एक कर, अब फालतू समय खराब करने से क्या, भाई जिस ग्रंथ में लिखी हुई बात है क्या तेरी, नहीं साहब मेरी मर्जी से, मेरे हिसाब से तो ऐसा मर्जी है, तो तेरा हिसाब तेरे पास है, नहीं जैसा हाँ क्या कोई अरे स्वाध्याय है नहीं, और बिना काम के कूतर खड़े करता है, आपको पता ही नहीं कुछ, और मेरे मेरे को तो नहीं, मेरे को तो नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई समझ ना, तू समझ का पिंड है, तेरे समझ में क्यों नहीं आएगा, तू समझना नहीं चाह रहा है इसलिए नहीं समझ रहा, इतनी कठिन कठिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वो तो सब बाबूजी कर लेता है, और ये सरल बातें समझ में नहीं आ रही,
नहीं समझना नहीं चाहता है, पद्धति का जोर पड़ा हुआ है, उसको पक्ष का जोर पड़ा हुआ है, मध्यस्थ नहीं होना चाहता, उसको ऐसा लगेगा मध्यस्थ होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भाई तेरा भाव सुधर जाएगा, तू अभी सही की खोज कर लेगा, तू पक्ष में पड़ा हुआ है इसलिए तू बर्बादी में है। क्या पूछना आदि स्वाध्याय के अंग है। अब यहां क्यों कहा कि यदि आप कोई चीज पूछते हो इसका मतलब आपको उसके संबंध में स्पष्ट नहीं है, और पूछा मतलब तो फिर तो आपका समय दर्शन भंग हो गया, जबकि ये तो स्वाध्याय का अंग है। दो बातें सपोर्टिंग कह दी, क्या कह दी, एक तो अष्ट सहस्त्र में आचार्य देव ने जो कहा है, क्या कहा है कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी उत्तम। दूसरे सपोर्टिंग बात ये कही कि पांच स्वाध्याय के अंग में पूछना नाम का एक अंग है, इसमें पूछा जाता है। पूछा जाता है कब, पूछा जाता है जब उसके संबंध में आपको स्पष्टीकरण नहीं है, तब तो जब पूछना है यदि अगर वो पूछा गया इसका मतलब आपका समय दर्शन भंग हो गया। प्रमाण नए से पदार्थों को निर्णय करने का उद्देश्य इसलिए दिया, क्या आचार्य देव ने ग्रंथ में प्रमाण से नए से उस वस्तु का निर्णय करने का उद्देश्य दिया, इसका मतलब है जैसा अब परीक्षा करके मानना है ना, इसीलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। फिर बार बार प्रश्न आता है आप परीक्षा परीक्षा के पीछे क्यों पड़े हुए, तो टोटल मेरे साहब ने उत्तर दे दिया बहुत सुंदर, मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, कल दिन भर आप सोचना है, आज दिन भर सोचना है क्या, तथा कितने ही पापी पुरुषों ने कल्पित कथन किए। क्या समस्या है गजराज साहब कि इस ग्रंथों में पापी पुरुषों ने मिलावट कर दी, जो वचन आप के नहीं है वो भी उन्होंने अंदर मिला दिए, ठीक है, उन्हें जिन वचन ठहराया है उनको कहा है जिनेंद्र भगवान के वचन है। किसने कहा, पापी पुरुष है और तू परीक्षा नहीं करेगा तो तेरे को पकड़ में नहीं आएगा कि जिनेंद्र भगवान के वचन है कि पापी के वचन है, और तू पापी के वचन को ही जिनेंद्र भगवान के वचन मानकर आज्ञा मानकर रहेगा तो तेरे कैसे धर्म हो गए, बता कि पापी के वचन से धर्म हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है, देखो क्या कहा, तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया, जिन्हें भगवान ने कहा उन्हें जैन मत के साथ जानकर प्रमाण नहीं करना, वो जैनों के साथ नहीं है, वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं है ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना, इसकी चर्चा अपन करेंगे कल, है ना, क्यों क्यों बात कह रहे हैं। जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया, वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा,
जिन वाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।